हाय एवरीवन, तो चलिए आज बनाते हैं गर्मियों के टाइम पे समर स्पेशल मैंगो आइसक्रीम, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल इजी आसान मेथड बताऊंगी। गर्मियों के टाइम पे ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम अगर घर पे बना के खाओ तो उसकी बात ही अलग है। तो मिनटों में बनने वाली मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो अगर चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए चलिए मैंगो आइसक्रीम बनाते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ दो मैंगो लिया है। इसके छिलकों को हमें पिल ऑफ कर लेना है। इसे पीसेस में कट करके हमें इसे मिक्सर जार में डाल के अच्छे तरीके से इसे इस तरीके से पीस लेना है। तो मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ फ्रिज का ये आइस ट्रे ले लिया है। इसके ऊपर मैं एक बाउल रख दूंगी। अब मैं बाउल में ऐड करूंगी अमूल फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम मैंने डाल दिया है कटोरी में। उसके बाद हमें इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसे कंटिन्यू अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। क्रीम जो है एकदम हमारा फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएगा। ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिठाई मेड। 4 से 5 चम्मच हमें इसमें मिठाई मेड ऐड कर देना है। अगर आपने चाहा तो आप पीसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चीनी का यूज़ नहीं किया है, मैं इसमें मिठाई मेड डालूँगी। उसके बाद मैं फिर से इसे 2 मिनट तक ब्लेंड कर लूँगी। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। इस तरीके से जब हमारा कंसिस्टी एकदम फ्लफी हो जाए तो इस प्रोसेस में हमें मैंगो का जो प्यूरी मैंने रेडी किया था उसे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसे डालने के बाद मैं फिर से मैंगो को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छे तरीके से हमें फिर से इसे 1 से 2 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आप ये देखो कितना अच्छे तरीके से ये एकदम क्रीमी फ्लफी कंसिस्टेंसी रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। उसके बाद अगर आपके पास टिफ़िन बॉक्स हो तो आप वो ले लेना। तो मैंने यहाँ एक राउंड शेप का कटोरी लिया है, इसी में मैं सारे मैंगो के बैटर को डाल दूँगी। अच्छे तरीके से डालने के बाद थोड़ा सा हमें इसे डैप डैप करके सेट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है। अब आधा मैंगो को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ा ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा से पिस्ता को एकदम बारीक चॉप कर लूँगी, उसे स्प्रिंकल कर दूँगी। और ये मैंने सेलोपिन पेपर से इसे इस तरीके से रैप कर दूँगी। इस तरीके से रैप करने से मैंगो आइसक्रीम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रीज होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से रैप कर देना है। उसके बाद इसके टाइट ढक्कन को लगा के ओवरनाइट रख देंगे हम इसे डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए। तो दूसरे दिन मैं इसे निकालूंगी। ये देखिए मैंगो आइसक्रीम जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से फ्रीज हो चुका है। तो अब मैं इसे आपको कट करके सर्व करके दिखाती हूँ कि हमारा मैंगो आइसक्रीम जो है कितना अच्छा रेडी हुआ है। तो इस तरीके से आप एक बाउल में या फिर एक कटोरी में सर्व करो। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और ड्राई फ्रूट से आप इसे सर्व करो। उसके बाद आप इसे मज़े से खाओ। ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम आप घर पे बनाओ और मज़े से खाओ। एक बार मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी इजी सिंपल मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। तो चलो बाय।